ये लीजिए एफ आई आर कॉपी और जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए. कॉल द डॉक्टर्स इमीडिएटली. डॉक्टर साहब कुछ भी करके ना नीति को बचा लीजिए. वो बहुत परेशान थी ना, इसलिए उसने ऐसा कर लिया. प्लीज उसे बचा लीजिए. प्लीज डोंट वरी, शी विल बी फाइन. थैंक यू. अरे रब्बा, क्या होगा बेबे, क्या कर लिया इस लड़की ने. सिंघानिया, थैंक यू एफआईआर की कॉपी लाने के लिए. अगर आप टाइम से एफआईआर की कॉपी नहीं लाती तो आज पता नहीं क्या हो जाता. सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है मिस्टर बाजवा. एक्चुअली आई नो कि कानून कैसे वर्क करता है एंड एवरीबॉडी शुड नो इट, पर इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है. ऐसी कंडीशन में कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता है. इट्स ओके. पार्वती को कैसे पता चला कि नीति ने अपनी जान लेने की कोशिश की है? मैंने उन्हें कॉल करके बताया था. लेकिन क्यों, क्या हो गया? बता दिया तो. पार्वती जी ने हमारी हेल्प ही करी है ना, वरना अभी तक तो हम एफआईआर ही करा रहे होते. विक्रम बिल्कुल सही कह रहे बेबे, एफआईआर की कॉपी बहुत जरूरी होती है. हम लोग इतना टेंशन में थे कि कुछ भी याद ही नहीं रहा, बट रूल तो रूल होता है ना. सो पार्वती ने जो हमारी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत जरूरी था. एनीवेज, आप जो उनके बारे में सोचते हैं ना गलत सोचते हैं. वो नेचर की बहुत अच्छी है. बस का संजू, बहुत तारीफ कर ली तूने पार्वती की. थोड़ा कम बोल लेगा ना, तेरी सेहत नहीं बिगड़ जानी है. और हाँ, आज नीति की हालत है ना, सिर्फ तेरी वजह से है. तेरी वजह से आज वो अपनी जान से लड़ रही है. खरेदर संजू कुछ गलत नहीं बोल रहा है. चुप करिए आप. से मैंने कोई राय नहीं मांगी है. मम्मी बहन जी बिल्कुल सही कह रही है, संजू ने कुछ नहीं किया है. बहन जी, नीति, नीति, क्या हुआ मेरे बच्चे को? नीति, क्या हुआ इसे? क्या हुआ बहन जी? कैसे हुआ सब कुछ? क्यों किया उसने ऐसे? बताओ मुझे क्या हुआ. क्या ये सब? संजू के घर छोड़ के जाने के कारण हुआ. पहले तो उसने नीति से शादी तोड़ दी और फिर उसके बाद घर से भी चला गया. वो बेचारी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने आप को कमरे में बंद करके उसने अपने हाथ की नस काट ली चाकू से. बाकी सब तेरे सामने ही है. ये सारा ना इसी की वजह से हुआ है. इसकी जिद के कारण ही ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है हमारी बच्ची को. नीति के साथ उसको रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था अपना. कहा था ना मैंने, उस रिश्ता मत तोड़, नहीं बर्दाश्त कर पाएगी वो. लेकिन ये रिश्ता आज थोड़ी ना टूटा है, ये तो काफी दिन पहले हो चुका था. आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है. आपसे पहले भी कहा था कि चुप रहिए, अगर चुप नहीं रह सकती है ना तो रिक्शा पकड़िए और घर जाइए. आराम कीजिए उठे जाके. बहन जी, मैं मानती हूँ कि इस बात को कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन नीति को लगा था कि संजू ने ये सब कुछ गुस्से में बोला है. एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. संजू का घर छोड़ के जाना ये ठीक नहीं हुआ. वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में उसने हाथ काट लिया होगा. और इतना तो आप लोग जानते ही हैं. सुसाइड करने की कोशिश करना हमारे देश में कितना बड़ा पाप है. इट्स अ क्राइम. पार्वती, ताइवा, आप यहां कैसे? सॉरी बेटा. सॉरी किस लिए?
बेटा तूने मुझसे कहा था ना मैडम को कुछ नहीं बताना, पर मैंने तो मैडम को बता दिया कि तू यहाँ, और नीति ने जो कुछ किया वो भी बता दिया मैंने। मॉम भी आई है? हाँ, लेकिन तू ऐसे कैसे यहाँ पे? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा, बोल कुछ तो बता मुझे। नीति ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, उसने अपने कलाई की दस काट ली। नीति इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, जानती है उसे मैं बचपन से, स्ट्रॉन्ग है वो। उसने आज इतना बड़ा कदम उठाया है, इसका मतलब राशिद के छोड़ के जाने से वो सच में बुरी तरह टूट गई है। कहीं ना कहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है। और आपकी नीति ने आज ये क्राइम किया है। मैं तो यही सोचती हूँ कि कौन सी घड़ी थी जिसमें मैंने तुम लोगों के साथ ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आई मीन रियली, क्योंकि अब तो मैं फंस गई हूँ, आई कांट इवन बैक आउट। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी ये जो लाडली नीति है ना, इसका पागलपन रुकने वाला नहीं है। इसने आज जो किया है, ये ऐसी हरकतें करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, क्योंकि ये उसकी आदत है। और एक दिन उसकी इसी आदत की वजह से, जैसे यार तुम लोग यहाँ खड़े हो ना, तुम लोग फिर फंसोगी, अटकोगी। But what I'm worried about is कि अब तुम लोग के साथ बिजनेस करने के चक्कर में मैं भी फंसूंगी इस लड़की की वजह से। इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई टेल यू, इस लड़की को डॉक्टर की या हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। शी नीड्स टू बी इन अ मेंटल असाइलम, जहां उसका इलाज हो सके। अंबिका जी, ये क्या बोल रही हैं आप? मेरे सामने आप मेरी बेटी को पागल बोल रही हैं? ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जो मैं कह रही हूँ वो सुनकर बुरा लग रहा है, पर आप ही एक बात बताइए, नीति जैसी लड़की अगर सोसाइटी में घूमती रहेगी तो बाकी लोग सेफ रहेंगे क्या? आपकी बेटी क्या कर सकती है ये आप अच्छे से जानती हैं, तो खुद से झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए आप। बस कीजिए। देखिए मिसेस सिंघानिया, ये जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, बट आपको सुखिंदर आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। नीति इनकी बेटी है और अभी वो अपनी मौत से लड़ रही है अंदर। यही तो गलत हो तुम, वो मौत से लड़ नहीं रही है, वो तो मरना चाहती थी, इसलिए तो उसने वो किया जो उसने किया है। जिंदा तो तुम लोग उसे रखना चाहते हो, इसीलिए उसे मशीन्स पे लगा दिया है और इस तरह यहाँ खड़े हुए हो। शी वॉन्टेड टू डाई, विच इज वाई शी ट्राई टू कमिट सुसाइड, जो अपने में बहुत बड़ा क्राइम है। मेरी बात समझो तुम लोग, मेंटल असाइलम से बेटर जगह उस लड़की के लिए कोई नहीं है, भेजो उसे वहां। एक्सक्यूज मी। देखा आपने अपनी बेटी का कितना ख्याल है इसे, और मेरी बेटी को पागल बोल रही है। मैं कह रही हूं अगर नीति को कुछ हो गया ना, तो इन दोनों माँ बेटी को छोड़ूंगी नहीं मैं। नर्स, क्या हुआ, नीति को होश आया क्या? नहीं नहीं, उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया है, मैं वही अरेंज करने जा रही हूँ। देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए, मुझे पता है कि आपके दिल में अंबिका जी के लिए बहुत गुस्सा है, लेकिन अभी के लिए प्लीज उन्हें कोई कुछ मत बोलना, कोई तमाशा क्रिएट मत करना प्लीज। वाह सच्चू, वो कुछ भी बोल के चली जाए और हम चुप रहे, अपनों से ज्यादा उन दोनों की फिक्र है तुझे। अभिया जी, नीति की हालत बहुत खराब है, चलिए मेरे नाल चलिए, रब से चलकर उसके लिए अरदास करो। हाँ चलिए बहन जी। पार्वती कुछ नहीं, मैडम मैडम देखिए ना पार्वती को, इसे कुछ समझाइए, पता नहीं क्या बोले जा रही है, उल्टा सीधा सोचने लगी है। इसको लगता है आज नीति की जो हालत है इसकी वजह से, इसने नीति की इंसल्ट की इसीलिए नीति ने ये सब किया। अगर ये नीति की इंसल्ट नहीं करती तो शायद नीति। मैडम ये क्या सोच रही है, आप समझाइए इसको कुछ। क्या हो गया है तुझे? सुखिंदर बहन जी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, नीति नीति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बस करिए आप, कोई हक नहीं है आपको कुछ भी बोलने का। ऐसे क्यों सोचने लगे ये बच्चे, तूने तो इतने साल बिताए नीति के साथ, तो जानती है वो कैसी है। अरे नीति जैसी लड़कियां स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट होती हैं, बेच के खाती हैं दूसरी लड़कियों को। तू जानती है नीति कुछ भी ऐसे ही नहीं करती है, उसका हर एक्शन इज प्लान्ड फॉर,
आगे उसका क्या रिजल्ट मिलेगा वो सब सोच समझ के करती है। उसने सुसाइड की सोच समझ कर ही किया होगा। बट मॉम, सुसाइड, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। आई नो दैट बेबी, यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ कि उसने गुस्से में आके ऐसा किया। तो कुछ नहीं कर सकती थी, तो प्लीज, ये तेरी गलती नहीं है बच्चे, इसमें तो कुछ नहीं कर सकती थी। देख, मैं जानती हूँ तू दिल की इतनी अच्छी है कि तू चाहती है कि हमेशा सबके साथ अच्छा हो, पर दुनिया ऐसी नहीं चलती है। प्लीज डोंट बी एन इमोशनल फूल। ये किस तरह से बात कर रही है आप सुखविंदर बहन जी मुझसे? नाम मत लीजिए मेरा। मैंने भी नाम लेने का शौक नहीं है आपका, लेकिन आप ऐसे बात नहीं करिए मुझसे। मैंने किया क्या है? यही तो कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। जीजू, आप ठीक तो है ना? मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं विक्रम, थैंक यू। जीजू आप स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं विक्रम, स्ट्रेस नहीं हूँ, थोड़ा अपसेट हूँ। वो क्या है ना कि मूड ऑफ हो जाता है जब लगातार बुरी चीजें होती हैं एक के बाद एक। और देखना यार, नीति की वजह से पूरा परिवार परेशान है। उसकी माँ परेशान है, मेरी माँ परेशान है, बेबे परेशान है, इनफैक्ट मिस सिंघानिया परेशान है। नीति एक के बाद एक गलती करी जा रही है। क्या कमी रखी मेरी नीति ने आप लोगों की आवभगत में? जो मन में आए पहनो, जो मन में आए खाओ, कभी कोई रोक टोक नहीं करी उसने। हर ऐशो आराम दिया आप लोगों को, और आप लोगों ने क्या किया? अरे जितना मेरी नीति ने इस घर के लिए, इस घर के एक एक सदस्य के लिए किया है ना, उतना उस परी ने कभी नहीं किया। जब मेरी बच्ची को आप लोगों की जरूरत थी तो आप लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। एक बात याद रखना, अगर मेरी नीति को कुछ भी हुआ ना तो खैर नहीं आप लोगों की। देखिए बहन जी, सुखविंदर ये तो कैसी बातें कर रही है? अच्छे से पता है आपको बेबे कि मैं क्या बोल रही हूँ। नीति प्यार करती है संजू से, बेइंतहा प्यार, कुछ भी कर सकती है वो संजू के लिए। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो, उसके बाद भी आपने संजू को समझाने की कोशिश नहीं की, क्यों? आज मेरी बच्ची की जो हालत है ना, उसका जिम्मेदार संजू नहीं है, आप दोनों भी हो। और एक बात आप लोग याद रखिए, अगर संजू ने नीति से शादी नहीं की ना, तो सिर्फ संजू नहीं, आप दोनों को भी मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगी, याद रखना। शिशु आप गलत समझ रहे हैं, नीति गलतियां नहीं कर रही, वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता विक्रम। शिशु आपको पता है नीति और परी का रिश्ता कैसा रहा है, और परी का भाई होने के नाते मैं नीति को अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि पिंड में वो तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त थी, तभी तुम उसकी केयर करते हो। या लेकिन विक्रम, हर चीज़ की ना एक हद होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन नीति ने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। जो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन वो है ही ऐसी, बचपन से देखते आ रहा हूँ मैं उसको, थोड़ी जिद्दी है। अगर उसको कुछ भी चाहिए ना तो वो पूरी कोशिश कर देती है उसको पाने की, दिल की भूल नहीं है। एक सेकंड विक्रम, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात समझ के ये जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगा और नीति से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा, तो तुम बहुत गलत समझ रहे हो। मैं नीति से शादी नहीं करूंगा, एंड दैट्स फाइन। अब आप लोगों के बचने का एक ही रास्ता है, संजू की नीति से शादी। ये क्या शादी लगा रखा है आपने? आपने की थी ना संजू से बात? माना वो नहीं ना? नीति ने भी उससे हजार बार बात की, मिन्नतें की उसके आगे, लेकिन नहीं मान रहा था वो। हम लोग भी उससे बात कर चुके हैं। अगर संजू नीति से ब्याह नहीं करना चाहता तो मैं की करा? मैं की करा? एक साल पहले भी गई थी ना आप अनशन पे संजू को मनाने के लिए, फिर से चले जाइए ना। दो तीन दिन भूखा रहेंगी तो मर नहीं जाएंगी आप, लेकिन नीति की जान बच जाएगी, और भूखा नहीं रह जाता ना। चुप भैया, पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। पहले संजू पर जोर चलता था मेरा, लेकिन अब बस करिए। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस नीति को बाजवा खानदान की बहू बनता हुआ देखना चाहती हूँ, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ना मुझे, मैं करूंगी। आप तुम क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? हाँ, तुम्हारे ऐसे लड़ने से संजू शादी के लिए हाँ नहीं करने वाला। ऐसे तो नीति और संजू की शादी कभी नहीं होगी। एक रास्ता है मेरे पास जिससे संजू नीति से शादी करने के लिए हाँ कह सकता है। मतलब क्या है आपका बेबे? मतलब ये है कि संजू और नीति की शादी कराने की गारंटी अब मेरी। तू बस वो करती जा जो मैं तुझे कहूँ।
क्या करना है बेबे मुझे? मैं अपनी नीति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तू पार्वती के पास जा और उसे वो कहे जो मैं तुझे उसे कहने के लिए कहूँ। हम लोग जा रहे हैं। And I genuinely hope कि नीति जल्द ही ठीक हो जाए। अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत होगी तो प्लीज रीच आउट। नमस्ते। मैं आपको जाने से रोकूंगी तो नहीं, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल था मेरा, उसका जवाब देकर जाइए, जरूरी है वरना नहीं पूछती। पार्वती, मैं जानती हूँ तुमसे ये सवाल ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, और ये सवाल सुनकर अब तुम्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं पूछ रही हूँ। तुम्हें पता है परी मुझे छोटी माँ कहकर बुलाती थी, पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे अपनी माँ मानती थी, और ना जाने मुझे भी तुम्हें देखकर क्यों ऐसा एहसास होता है कि तुम पार्वती नहीं हो, परी हो। तो सच सच बताओ, तुम परी हो या पार्वती? आंटी जी, मैंने कितनी बार समझाया है कि पार्वती से सवाल नहीं करना है। I'm sorry, Miss Singhania. I hope. तुम्हें पार्वती से सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है संजू, ये मेरे और पार्वती के बीच की बात है, तुम हमारे बीच में मत आओ। ये जवाब मैं पार्वती के मुंह से सुनना चाहती हूँ। नीति को होश आ गया है, वो संजू से मिलना चाहती है, और हाँ, गुरिंदर और सुखविंदर को भी मिलने के लिए बुलाया उसने। हाँ जी जी, चल पता चल चल। पार्वती, तुम दो मिनट रुकना, मैं नीति को देखकर आती हूँ। पुत्र, तुम तो ठीक ठीक है ना? मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? मैं सताएगी मुझे नीति, ठीक है ना अभी? संजू, I'm sorry, ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। I'm sorry. You know, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल था मेरा। बेटा, मैं अभी आती हूँ। पुत्र, पार्वती, एक मिनट। पार्वती, जो सवाल मैंने तुमसे बाहर पूछा था, सवाल वही है, बस तुम्हें उसका जवाब नीति के सामने देना है। नीति को भी अब होश आ गया है तो उसे भी पता चल जाना चाहिए कि सच क्या है। तो बताओ, तुम पार्वती हो या परी? आप लोग फिर से... एक मिनट मिस्टर बाशु, आप लोग यही जानना चाहते हो ना कि मैं परी हूँ या पार्वती? हाँ, सच बताऊँ? सच बताऊँ तो सच यही है कि मैं परी नहीं हूँ। पार्वती सिंघानिया। अंबिका देवी सिंघानिया की बेटी। सुन लिया तूने पुत्र, इसने क्या कहा? ये परी नहीं, पार्वती है। और तू तो परी से प्यार करता था ना? आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? वही बातें कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। पार्वती, जब तुमने अपने मुंह से अब कह ही दिया है कि तुम परी नहीं पार्वती हो, तो तू बोल संजू को ये नीति से विवाह कर ले। What? नहीं तो नीति अपनी जान दे देगी।
हाँ पार्वती, तुम बोलो ना संजू को कि नीति से ब्याह कर ले। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बात जरूर मानेगा। बोलो ना प्लीज, बोल दो। का दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बातें कर रहे हो? दिमाग खराब नहीं है पुत्र, सही है हमारा दिमाग। पार्वती कहो संजू से कि नीति से ब्याह कर ले, बोल दे, क्योंकि तेरी बात ही कभी नहीं टालेगा। बोल बोल इसको। अब ये कैसी बातें कर रहे हो? सिचुएशन तो देखो, क्या बोल रहे हो? देखिए मिसिंग आने, आपको इन लोगों की बात नहीं। मेरी सिर्फ शक्ल परी से मिलती है, लेकिन मैं आपके परी नहीं हूं, मैं पार्वती हूं। आप प्लीज इससे शादी कर लीजिए।